हाँ जी, लेट अस टुडे रिवाइज द चैप्टर एलपीपी। इसके थ्योरी पार्ट जो है, थ्योरी पार्ट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे वर्ड से बेटा इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं ना एलपीपी के, वहां पर ही आके हम मार खाते हैं कई बार। जैसे सबसे पहले तो हमें एलपीपी की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात करूं, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, कोई भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब ही है डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट, मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। प्रॉफिट की बात है तो ऑब्वियस है, हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस की बात हो तो मिनिमाइज करते हैं। ओके बेटा, तो मेरे पास जो है लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड फॉर डिटरमिनिंग द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शन। कई बार आ जाता है डैश फंक्शन, तो यहाँ ये चीज याद रखनी है। लीनियर से ही नाम क्लियर होता है कि हम लीनियर फंक्शन को ही ऑप्टिमाइज करते हैं या मीन्स मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। ओके, ऑफ ए लीनियर फंक्शन सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेन जो है एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। सब्जेक्टिव टू कॉन्स्ट्रेंट, जितनी भी कंडीशंस, आपको पता है जेड है पहले, ये ax प्लस by होता है। सब्जेक्टिव टू जो कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं वो भी मेरे पास जो है क्या होती हैं, जस्ट वेट। हाँ जी, तो सब्जेक्टिव टू कॉन्स्ट्रेंट बेटा मैं बता रही थी कि जितनी भी कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो भी लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरे पास लीनियर कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो बेटा ax प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या अकेली लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। ओके जी, बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है आपको कॉन्स्ट्रेंट की डेफिनेशन, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन, आपको फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सबकी डेफिनेशन टिप्स भी होनी चाहिए। फिजिबल रीजन वो ऐसा एरिया है जो हम शेड करते हैं, हम ग्राफिकल मेथड में शेड करते हैं, लेकिन डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, दैट विल सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स। फिजिबल रीजन इज अ रीजन दैट इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, जो सारी की सारी कॉन्स्ट्रेंट में से जो कॉमन सोल्यूशन, कॉमन रीजन आता है वो हमारा फिजिबल रीजन होता है। वो बाउंडेड भी हो सकता है, वो अनबाउंडेड भी हो सकता है। ओके जी, क्योंकि कई बार जब आप कॉमन निकालते हो तो क्या करते हो, ये चीज आया, ये चीज आया, ये ऊपर वाला शेड है, ओके तो ये मेरा अनबाउंडेड है। कई बार अंदर वाला शेड हो जाता है सॉरी, तो उसे क्या कहते हैं, बाउंडेड, बाउंडेड हो जाता है। ठीक है जी, फिजिबल रीजन दो टाइप के होते हैं, वो बाउंडेड भी हो सकता है, वो अनबाउंडेड भी मेरे पास हो सकता है। फिर नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, जो भी सोल्यूशन मैंने फिजिबल रीजन में से, ऐसी वैल्यू जो मेरे फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रही है, मींस ऑप्टिमाइज कर रही है या ऑप्टिमम वैल्यू निकल रही है, उसे हम कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन। मींस ऑल दोज पॉइंट्स दैट लाइज इन द फिजिबल रीजन, नो डाउट फिजिबल सोल्यूशन होते हैं। लेकिन वर्ड ऑप्टिमम की बात करूं, इन सोल्यूशंस में से जो मेरे फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू। ओके, सॉल्यूशन यहाँ कितने सारे पॉइंट्स होंगे, बट मैंने तो फिजिबल सॉल्यूशन में से ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, दोनों में फर्क पता चल गया। ऑप्टिमम हमेशा या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन फिजिबल में कितने सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट हर क्वेश्चन में आती है, आपको पता वो आनी आनी है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई हम हमेशा क्या लेते हैं,
नॉन नेगेटिव ही लेते हैं, तो मेरे पास बेटा यहां पर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट कौन सी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, मींस जो हमारा आंसर है वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर एक हमने बात की थी रिडक्टेंट कॉन्स्टेंट्स कौन सी होती है, रिडक्टेंट कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स होती है जिसके ना होने पे मेरे आंसर को कोई फर्क ना पड़े। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉन्स्टेंट ये ड्रॉ की, एक कॉन्स्टेंट ये ड्रॉ की, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट मेरी ये, सब में एरिया अपर वाला है, कॉमन मेरे पास जो है वो ये वाला बन रहा है ना, ये वाला सिर्फ, यानी अगर इन दोनों के मैं शेडेड एरिया ना भी देखूं, अल्टीमेटली इसका शेडेड एरिया तो ऊपर वाला ही है ना, यानी इन दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं ना हुई, तो दीज आर रिडक्टेंट कॉन्स्टेंट्स, बोथ आर फाइन। आपने ड्रॉ किया, आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों का मैं नहीं भी लूं, मैं इसी का ले लूं, मेन तो यही कॉमन था ना, अगर इसका मैं ना भी ड्रॉ करूं तब भी ऊपर वाली कॉन्स्टेंट का ऊपर वाला ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दैट मींस ये दोनों रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मतलब छोड़ देना, निग्लेक्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, तो इनको मैं छोड़ भी दूं, मेरा इस नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, मैं इसका नहीं भी शेडेड ड्रॉ करूं तो मेरा चलेगा, तो दैट्स व्हाई दीज बोथ आर कॉल्ड रिडक्टेंट कॉन्स्टेंट्स, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं नजर आ। ओके, क्लियर, सबको ये बात पता चल गई। फिर बेटा मेरे पास जो नेक्स्ट है, हम जो मेथड एलपीपी को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करके ही हम कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, मेरे पास जो फिजिबल सोल्यूशन मेरा होता है ना, जहां पर चाहे वो बाउंडेड है, जैसा मर्जी है, हमारे पास हम बाउंडेड की बात करें तो वो हमेशा कन्वेक्स सोल्यूशन सेट ड्रॉ होता है, कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स सेट, जब भी बाउंडेड में मेरा जो आता है ना वो हमेशा कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटर्स, आपने एट्थ क्लास में पढ़े होंगे या सेवेंथ में, क्या फर्क होता है, कन्वेक्स में अगर मैं जितने भी डायगोनल्स, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बता रही हूँ, जितने भी मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं ना वो हमेशा उसके अंदर लाई करती, लेकिन कनकेव में वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कन्वेक्स, इसका डायगोनल ये और ये दो ही बन रहे हैं ना, अंदर लाई कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं एक फिगर जस्ट बना रही हूं, मैं सिर्फ क्वाड्रिलेटर, कन्वेक्स कनकेव क्वाड्रिलेटर्स की बात कर लो, ये जनरल पॉलीगन की बात कर लो, डजंट मैटर, मैंने यहां पॉलीगन के, अगर मैं यहां पर देखूं ये ऐसे फिगर, ठीक है, अब मैंने डायगोनल बनाना है, डायगोनल में क्या होता है, ये वर्टेक्स है, इसके साथ वाले वर्टेक्स को छोड़ के बाकी सबके साथ ज्वाइन करके देखते हैं, किया, ये भी बाहर आ रहा है, ये भी आधा बाहर आ रहा है, तो ये कौन सा सेट है, कनकेव। ओके, कन्वेक्स में दोनों डायगोनल्स एंगल के साथ भी हम कोरिलेट करके देख सकते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल, यहां पर आप इंटीरियर एंगल देखोगे ना 180 से ज्यादा आ रहा है, यहां कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं आ रहा, यहां से भी चेक कर सकते हैं, अंदर वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर नॉट द एक्सटीरियर एंगल, ये मेरे पास फिगर थी, मतलब चाहे आप डायगोनल्स ड्रॉ करके देख लो या एंगल की बात करो, तो ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। आपने अभी तक जितने भी ग्राफिकल मेथड किए, अगर वो बाउंडेड है तो आप सोल्यूशन ऐसे ड्रॉ करते हो ना,
या ये आता है या ये आता है या ये आता है, ऐसा ही आता है ना, तो वो हमेशा सोल्यूशन सेट कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। मैंने कंफ्यूजन होती है सबको होती है, कन्वेक्स कनकेव कौन सा लेना है, मैंने पता कैसे याद किया हुआ है, कन्वेक्स बोलने पे ही आराम से बोला जाता है, कनकेव आपका माउथ ओपन होता है, खोलना पड़ता है, यानी डायगोनल बाहर होगा, आएगा ही आएगा, बड़ा एंगल होगा, कम से कम एक एंगल बड़ा होगा, लेकिन कन्वेक्स आराम से बोलते हो, कभी भूलेगा ही नहीं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, कोई लर्निंग की जरूरत नहीं, कनकेव में एंगल बड़ा, डायगोनल बाहर, कन्वेक्स आराम से बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो एंगल भी लेस देन 180 और डायगोनल्स भी कहाँ होते हैं, अंदर ही होते हैं। अब मुझे कभी भूलता नहीं है, क्लियर, भूलेगा तो नहीं ना, सबको याद हो गया ना। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। अब नेक्स्ट जो बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई आर फिजिबल रीजन है, जेड मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म पे है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर रीजन बाउंडेड है, अगर रीजन बाउंडेड है और मेरे पास जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 100% मेरे पास उसने कहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन होगी कहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट्स, बीच में नहीं लाई करो, मतलब ये बाउंडेड है, मान लो ये सोल्यूशन निकले, इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये और ये, तो इनमें से कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तभी तो हम आपको क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने को कहते हैं, इसीलिए इस मेथड को कॉर्नर मेथड भी कहा जाता है, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ग्राफिकल मेथड भी कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। बात क्लियर हुई सबको बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। अब बेटा मेरे पास जो है, बट अगर आर अनबाउंडेड है मेरे पास, मतलब फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, तो फंक्शन की बेटा वैल्यू जो है मैक्सिमम या मिनिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अनबाउंडेड में श्योरिटी नहीं है, वो तो आपको भी। हाँ जी बेटा, अनबाउंडेड डिलीटेड है ना, बट क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना वो, क्यों ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो पहला पार्ट है, अनबाउंडेड ग्राफिकल मेथड इज डिलीटेड, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि अनबाउंडेड में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वहां आ सकता है, मे एग्जिस्ट मे नॉट एग्जिस्ट, थर्ड ऑप्शन डाल दे, मे और मे नॉट इकट्ठी डाल दे, है ना, तो वो इकट्ठी वाली ही टिक करनी ऑप्शन। तो इसमें बहुत सारे चांसेस है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि थ्योरी वाला पार्ट भी आ सके, तो दैट्स व्हाई डू इट केयरफुली। अच्छा एक और बात है, अगर अनबाउंडेड में भी अगर एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो वो भी वहां कहां पर होगी, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगी, होगी। ओके बेटा, और मेरे पास जो है यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती थी, अगर मेरे पास जो है दो कॉर्नर पॉइंट्स पे, मतलब इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन हैव बोथ ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द सेम टाइप, मतलब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम, वैल्यू सेम है, तो तब बेटा उसने कहा कि बोथ गिव्स द सेम मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज, देन अगर दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट पे हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए पहला केस मैंने आपको बताया, बाउंडेड में तो मैं 100% कह रही हूं कि मेरे पास जो है एग्जिस्ट करेगी तो कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब मैं अनबाउंडेड का थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ कि क्वेश्चन ना आए, बट थ्योरी में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर अनबाउंडेड है, ये वाला शेड है, उसने कहा कि वैल्यू मैक्सिमम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, मिनिमम भी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, हम कोई फिक्स नहीं कर रहे, लेकिन अगर आती है तो हमेशा
कॉर्नर पॉइंट्स के बीच में ही आए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, अनबाउंडेड में हम क्या करते थे, मान लीजिए टेबल बनाया मैंने, ठीक है, टेबल पे मेरे पास जो है वैल्यू आ गई 300, 400, -200। मैंने कहा कि मैंने मैं मिनिमम वैल्यू देखनी अनबाउंडेड। अब मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, -300। हम क्या करते थे अनबाउंडेड में, जो भी वैल्यू फंक्शन है जेड 5x + 4y, इसको लेस देन इक्वल्स टू -200 करते थे, इस पे इसकी जेड ड्रॉ करते थे, मींस इस जेड को ड्रॉ करते थे। अगर ड्रॉ करने पे ये मेरा आंसर जो है बाहर कहीं लाई कर रही है तो हम क्या कहते थे, अगर बाहर मेरे पास वो लाई कर रही है तो हम क्या कहते थे, जो सिलेक्टेड है वो करेक्ट है। लेकिन जो अगर अंदर आ जाती थी, जो सिलेक्ट है वो करेक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब जो पॉइंट सिलेक्ट किया गया मान लो 2, 3 वो करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो पॉइंट मान लो ये जेड ड्रॉ की, ये बाउंड्री पे आ गई, ये बाउंड्री पे आ गई, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टू दिस, ओके। अगर इधर बाउंड्री पे आ जाती, कॉमन कॉर्नर पॉइंट्स तो यही है ना, तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। लेकिन अगर वो जेड ड्रॉ किया सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रहा है ऐसे, तो दिस पॉइंट इज द मिनिमम वैल्यू, ओके। ये अनबाउंडेड में था, लेकिन अगर बाउंडेड में, मैं ये कह रही हूं मैंने जो अभी लाइन पढ़ी थी, अगर बाउंडेड में दो जगह पे मेरे पास आंसर सेम आ गए, दो जगह पे आंसर सेम आ गया, हम कहते हैं मल्टीपल सोल्यूशन है उसके। अब मल्टीपल सोल्यूशन है तो व्हाट डज इट मीन, कि मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट्स पे जितने भी सोल्यूशंस है ना वो उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने आपको सारी थ्योरी एक बार समझा दी है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कॉर्नर पॉइंट्स की बार बार बात हो रही है, कन्वेक्स सेट की बात हो रही है, फिर मेरे पास जो है क्वेश्चंस में नॉर्मली जो है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप लोगों को लगे कि प्रॉब्लम आएगी, फिर भी ये सारी थ्योरी मैं आज PDF बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि एक बार गो थ्रू कर, ओके। लेट अस डू नाउ क्वेश्चंस, तभी आपको पता चलेगा कि ये कॉर्नर पॉइंट्स की बार बार बात क्या होती है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन LPP इज दिस एंड कॉर्नर पॉइंट्स जो है of the bounded feasible region are 0, 0, 70, 34, 02, then the maximum value occur at a point. बिल्कुल जी, हर पॉइंट को पुट करो और देखो जेड किस पे आ रहा है, मैक्सिमम पे। तो आप क्या कहोगे तब कि मेरे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा है, 3, 4 पे, बिल्कुल जी। 0, 0 पे तो 0 ही आ रहा है और नेगेटिव कहीं आएगा ही नहीं क्योंकि बीच में माइनस नहीं है, तो 0, 0 कैसे कह दिया, ठीक है जी। चलो आगे बेटा, अब नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू 3x - 4y and the corner points of bounded solutions are 0, 0 जरूरी नहीं है, बीच में नेगेटिव आ गया ना तो कहीं पे भी हो सकती है, चेक कीजिए, सारी चेक करके 0, 8 पे बिल्कुल करेक्ट है,
मिनिमम मिनिमम बेटा मिनिमम। अगर इसी पे मैक्सिमम पूछते इसी क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू ध्यान से चेक करना, मैक्सिमम वैल्यू 5.0 पे मैक्सिमम वैल्यू, तुक्के लगा रहे, सारी वैल्यूज निकाल के ही पता चलेंगी, है ना। एक का गलत हुआ दूसरा पॉइंट दे देते हैं, पेपर में ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है लेकिन अनबाउंडेड दिया हुआ है, तो देखिए व्हाट दे स्पेसिफाइड हियर। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द अनबाउंडेड फंक्शन, इज दिस, देन द मिनिमम वैल्यू, देन द मिनिमम वैल्यू अकर एट ए पॉइंट। आपको ये पता है, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज सेट रहती है कि जो अनबाउंडेड होता है ना, आपने कभी क्वेश्चन देखा है कि अनबाउंडेड पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए? हैव यू एवर सीन एनी क्वेश्चन? नहीं होगा। रीजन, मिनिमम ये होगी, आगे जितनी है वो क्या होंगी, बढ़ेंगी ना, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है ज्यादातर, है ना। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया कि मुझे लगता है मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते। हम क्वेश्चन को चाहे मोल्ड करके आपको कह दें फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, जी अगर एग्जिस्ट करेगी तो नो डाउट वो वहीं पे करेगी। ऐसा हो सकता है ना कि अगर जैसे मान लीजिए अनबाउंडेड का ऐसा कोई बना, तो यहां पर माइट भी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, हो सकती है ना। बट वैसे देखा जाए ग्राफिकल के अकॉर्डिंगली देखूं तो मेरे अकॉर्डिंगली मैक्सिमम कभी नहीं पूछनी चाहिए अनबाउंडेड, है ना, क्योंकि हमने ये भी कहा वैसे तो कि अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हमेशा कहां एग्जिस्ट करती है, कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो वो ऊपर वाला इधर वाला कॉर्नर पॉइंट तो यही रहा, यहाँ ये रहा, ये मिनिमम इसकी वाई है, यहाँ हो सकती है, यानी इन दोनों पॉइंट्स में से मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम उसको मोल्ड करके ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट मेरे पास हो गए। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन ऑफ एन LPPR then minimum value of the function occur at minimum value of the function, दोनों पे है ना, तो दैट मीन्स कहां पर क्या लिखेंगे? इसकी ऑप्शन है 0.2 ओनली, 3.0 ओनली, फिर थर्ड ऑप्शन दी हुई है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। मिड पॉइंट तो कहीं पे भी नहीं हम लेते इसमें, सी भी गई। फोर्थ ऑप्शन है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2.3 एंड 3.2। वहां पेपर में ऐसे नहीं करना कि आपने दो पे निकाली, है ना, मतलब पहले पे निकाली, आपको लगता आगे बढ़नी है जी छोड़ दो, बाय चांस दोनों पे सेम आ रही है, मैंने आपको आगे भी कहा तुम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती, मेरे पास लाइन पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, सो दैट्स व्हाई दे राइट कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0.2 एंड 3.0। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब कई बार ऐसे पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन पे, दे आस्क मैक्सिमम एफ माइनस मिनिमम एफ। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, मिनिमम निकाली है, दोनों को क्या कर दे, माइनस कर। क्वेश्चन को केयरफुली बस पढ़ना बेटा, मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है, ऐसी भी ऑप्शन होगी जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कॉमा मिनिमम वैल्यू आपको दी होगी, आपने
उसी को टिक कर देते हो, तो वहां माइनस करके पूछा है तो वो ही बताना। ओके जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास वो है, राइट डाउन द क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पलर में भी है और ये बहुत बार रिपीट होता है, मुझे लगता है आएगा ही आएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। हाँ जी, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर LPPR, फॉर LPPR 031130, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर सच दैट मिनिमम वैल्यू अक्कर एट, मिनिमम वैल्यू अक्कर एट दिस, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। क्या करेंगे आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में? नहीं, 3011, मेरे को मेथड बताओ, क्या सोचते हो क्या मेथड है? वैल्यूज ये पुट कर दी, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि अगर वो कह रहा है इस पे भी मिनिमम वैल्यू है, इस पे भी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए ना, तो दैट मींस मैंने पुट किया तो ये 3p इज इक्वल टू यहां पर पी प्लस क्यू, इसको उधर ले जाए तो 2p इज इक्वल, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा मेरे पास अगेन द सेम क्वेश्चन, यहां मिनिमम वैल्यू की जगह उसने पता क्या दे दिया है, मैक्सिमम वैल्यू अकर एट दीज टू पॉइंट्स, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, बेटा वैल्यू तो सेम ही रहनी है। ठीक है जी, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन। लिखिए, इन एन एलपीपी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू ax प्लस by has same maximum values, has same maximum values on two corner points, on two corner points, then the number of points, then the number of points at which maximum value of z occur, yes, क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जब दो पॉइंट्स पे सेम होती है तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दैट पॉइंट पे हमारा आंसर क्या आता है, आंसर लाई करता है, तो एक लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। ओके जी, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, द ग्राफ ऑफ द inequality is number first half plane that contains the origin, note karo beta samyang statement, the graph of the inequality 2x plus 3y greater than 6 is number first half plane that contains the origin, b half plane that neither contain the origin nor the points on the line, whole x o y, next option, whole x o y plane excluded the points
ऑन द लाइन एक्सक्लूडेड द पॉइंट्स ऑन द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, सॉरी इंटायर फोर्थ ऑप्शन है, एंटायर एक्स ओ वाई प्लेन, एंटायर एक्स ओ वाई प्लेन। अब कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले तो ओरिजिन वाला चेक करो, ओरिजिन की बात उसने कहां पर बात की है, फर्स्ट और सेकंड में, जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन सिक्स, जीरो यहां पर जो है ग्रेटर देन सिक्स फॉल्स है, यानी जीरो तो आना ही नहीं है ना, तो दैट मींस कि जीरो नहीं आना, तो मेरे पास जो है बी ऑप्शन में है जहां ओरिजिन लाई नहीं कर रहे, क्योंकि उसने कहा है कि हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स जीरोस नॉर कंटेन्स अ पॉइंट ऑन द लाइन, यहां पर ग्रेटर है इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है वो उसको इंक्लूड नहीं करना, ये प्लस वन का कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, बी। ओके बेटा, अब इसी पर बेस आई विल सेंड यू असाइनमेंट ऑन केस स्टडी, यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चन। ओके, टिल देन गुड बाय।